अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस आज उनकी जन्मस्थली अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में मनाया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी यहां आकर उनको श्रद्धांजलि दी। क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर तो कांग्रेस की ओर से विधायक सेना पटेल, महेश पटेल, झाबुआ के पूर्व विधायक कांतिलाल भूरिया समेत तमाम नेता पहुंचे थे। इस पूरे बलिदान दिवस के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि मुकेश खन्ना, जो कि शक्तिमान और भीष्म पितामह के रोल के लिए देश भर में चर्चित हैं, वो भी एक फाउंडेशन की ओर से आए। यहाँ उन्होंने आज़ाद की कुटिया पर जाकर अपना शीश नवाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को भारत रत्न देने की मांग की और ये कहा कि उनका बलिदान पूरे देश को जानना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने देश के प्रति अपनी अपना बलिदान दिया है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से भी यहां पर अलग अलग श्रद्धांजलि समारोह रखे गए। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से भी कलेक्टर और एसपी ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आप देखिए, ये आज दिन भर के बलिदान दिवस के श्रद्धांजलि समारोह की है और इस समारोह के बाद अमर शहीद को श्रद्धांजलि देने आए प्रमुख लोगों ने क्या क्या कहा वो भी सुनिए। साथ में सुनिए किस तरीके से मुकेश खन्ना ने अमर शहीद को भारत रत्न देने की मांग की है। और है कि ये सारे क्रांतिकारियों को उनका शहीदों का दर्जा दिलाना चाहते, क्योंकि लोग उनको शहीद नहीं बोलते, लोग उनको आतंकवादी बोलते। जो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था कि आतंकवादी है, टेररिस्ट होना है, आज तक कांग्रेस की सरकार ने टेररिज्म का जो थप्पा था नहीं हटाया। माफ करना, 10 साल से मोदी जी को भी हम बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या देरी हो रही है, इनको शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो हमारे आर्मी के लोगों के पास है, जो हमारे पुलिस के पास है, कोई मरता है तो उनको पेंशन मिलता है जिंदगी में, एम आई राइट? आप लोगों को इनको क्यों नहीं दिया, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी कर, उसको सोचना पड़ा। मैं तो बोलता हूँ, यहाँ पर बोलता हूँ कि लोगों को भारत रत्न दे देना चाहिए। इस शख्स को आज 3 लोगों को भारत रत्न दिया, उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पप्पू जी वहाँ से बोलते क्यों दिया, वो बोलता हमने दिया, हमने क्यों दिया, हमने उनको दिया। और सबसे बड़ी बात है आडवाणी जी को दे दिया, जो मुझे बहुत खुशी हुई, जिनको बहुत टाइम तक मान नहीं मिला था उनको दिया। बट आजाद जी 1947 से 2024 तक किसी के दिमाग में नहीं आया कि भारत रत्न का सबसे बड़ा हकदार कौन है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि भारत रत्न का सम्मान होगा अगर आप उनको भारत रत्न देंगे, उनका सम्मान नहीं होगा। पर हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स आगे चलती है, अवार्ड्स पीछे से चलते हैं। आज भारत माँ के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है और हम सब लोग प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं और आज उस बात को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और यहाँ से हम सब लोग भारत माता की सेवा करने वाले जो लोग हैं, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, युवा है, हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेके भारत माँ की सेवा करते हैं। अच्छा, इस बार फिर मांग उठी है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, आप सबने देखा होगा 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी, हमने चंद्रशेखर आजाद की जो कुटिया थी, एक छोटी सी कुटिया थी, बरसों तक ऐसी पड़ी रही थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ भाभरा में स्मारक स्मृति मंदिर बनाया है और भाभरा का नाम चंद्रशेखर आजाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर नेशनल स्मारक बनना चाहिए, तो आने वाले समय में हम सब लोग चर्चा करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि है और सरकार से बात करके इस ओर भी हम लोग आने वाले समय में प्रयास करेंगे। आदरणीय सभी पत्रकार साथियों, हमारे जोबट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सेना पटेल जी, हमारे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल जी, पूर्व विधायक हमारे मुकेश भाई, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम भाई और भाभरा के ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, शिवादल, महिला कांग्रेस, सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम सभी कांग्रेस पार्टी की सभी कार्यकर्ता नेता एकत्रित होकर चंद्रशेखर आजाद के जन्मस्थली में
हम लोग आज यहाँ पर आके उनके चरणों में नमन किया है और उनसे आशीर्वाद लिया है। आजाद जी पूरे आजादी के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की गोलियों से आजाद चंद्रशेखर आजाद कभी डरे नहीं। उन्होंने खुलेआम सीना तान के खड़े होके अंग्रेजों को जवाब देते थे, वो हमारे आजाद है। क्या संदेश देना चाहते आज 94 बलिदान दिवस पर? आज चंद्रशेखर आजाद को आज यहाँ हम सभी जिले के कार्यकर्ता यहाँ नमन करने आए हैं और ढोल धमाके के साथ जो परंपरागत भगोरिये का जो उत्साह होता है, तो ये बलिदान दिवस के रोज से ये भगोरिये का उत्साह का ढोल का उत्साह के साथ सभी राजनीतिक के दल के और सभी सामाजिक और अलीराजपुर झाबुआ जिले के यहाँ लोग बलिदान दिवस पर आते हैं अर्पित करने के लिए, मैं उनको नमन करता हूँ। वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की नगरी भाभरा में आज बलिदान दिवस पे हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और उनके चंद्रशेखर आजाद के मार्गदर्शन पे हमें चलना है। उन्होंने जो प्रेरणा दी है उन प्रेरणाओं के दिमाग और उनकी प्रेरणाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलना है। उन्होंने जो देश के लिए अपनी जान निछावर की उसका बलिदान दिवस आजीवन तक अमर रहेगा और हम सब उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और निश्चित ही हमें दुख के साथ गर्व भी है कि हमारे देश का हमारे भाभरा विधानसभा का ऐसा नौजवान जो देश के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए उनको बारंबार नमन करते हैं और निश्चित ही हमें गर्व महसूस होता है कि ऐसे वीर सपूत को हमारे जिले से जो निकल कर गए और उन्होंने देश के लिए आज अपना बलिदान दिया है।